अहमधुना निवेदयामि यत् बालकाः आगत्य चंदन है इस देश की माटी तपो भूमि हर ग्राम है एतद् गीतं गास्यन्ति। अभी आपके समक्ष आचार्य कुलम के ऋषि कुमार तथा ऋषि कुमार आकर के चंदन है इस देश की माटी तपो भूमि हर ग्राम है इस गीत की प्रस्तुति करेंगे। अनन्तरं मेरे वतन से अच्छा बालिकाः शीघ्रं आगच्छन्तु। यथा शीघ्रं बालिकाः मेरे वतन से अच्छा गीत में जो भी बालिकाएं हैं वो तुरंत यहां पर आ जाएं। श्रद्धेय आचार्य श्री भी हमारे बीच आ चुके हैं, हम उनका भी बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आचार्य कुलम परिवार तथा संपूर्ण पतंजलि योगपीठ परिवार से हम आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं करते हैं। ओम Thank you.
बच्चों को पीछे से साउंड मिल रहा था, फिर भी ताल में थोड़ी गड़बड़ हो गई क्योंकि सामने से इनको साउंड का बैकअप नहीं मिला। उसके लिए एक बार फिर से बच्चों को उत्साह के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। और श्रद्धे आचार्य बागचंद जी महाराज, जो अपने ऋषि परंपरा के मूर्त स्वरूप हैं और जो एक एक पल पुरुषार्थ में जीते हैं, स्वीन कर्मणा संवदेत के हमारे आदर्श हैं और आचार्य कुलम के भी हमारे स्वप्न दृष्टा हैं। श्रद्धे आचार्य श्री, आज स्वाधीनता दिवस पर सबको अपनी शुभकामनाएं और संदेश देकर के अनुग्रहित करें। श्रद्धे आचार्य श्री का पुनः इस आचार्य कुलम परिसर में सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। भारत माता की वंदे। परम श्रद्धे हम सबके प्रेरणा स्रोत पूज्य स्वामी जी, आचार्य कुलम के इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित सभी हमारे पतंजलि योगपीठ परिवार के अभिभावक गण, वरिष्ठ भाई बहन और हमारे कनिष्ठ छोटे प्यारे बच्चों, आज स्वतंत्रता दिवस है। इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को और संपूर्ण देशवासियों को श्रद्धेय स्वामी जी के स्वप्न और संकल्प को पूर्ण करने में लगे हुए करोड़ों करोड़ों भाई बहनों को आज के इस पावन दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। उन सबका मैं वंदन करता हूं कि आज का दिन शहीदों को, वीरों को स्मरण करते हुए उन बलिदानियों का जो त्याग है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन उसके लिए, मां भारती के लिए न्यौछावर किया, उनको स्मरण करते हुए, उनको प्रणाम और वंदन करते हुए कि उस जिस देश को बनाने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए हमारे वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उस देश को बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यह हम सब के लिए सोचने का और अच्छा करने के लिए संकल्प लेने का दिवस है। श्रद्धेय स्वामी जी के संकल्प से, करोड़ों भारतवासियों के पुरुषार्थ से आज देश में नया सवेरा आया है। इसीलिए भी यह 68वां स्वतंत्रता दिवस हम सब के लिए विशेष है। तो पुनः जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन वीरों के, उन शहीदों के सपनों का देश बनाने के लिए हम उद्यत हों, अपने जीवन की कमियां, बुराइयां, कमजोरियों से मुक्त होकर के अपना जीवन का उत्थान, अपने समाज का, अपने क्षेत्र का, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी कर्म की जो जिम्मेदारियां हैं उसमें, जिस भी दायित्व में हम लगे हुए हैं, यदि उस दायित्व में हम राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए, देश को आगे रख करके यदि हम आगे बढ़ेंगे, तो हम समझते हैं कि देश में कभी किसी भी तरह की न्यूनता नहीं आ पाएगी, देश बहुत आगे बढ़ेगा, देश उन्नति करेगा। और जिस तरह के देश को हम देखना चाहते हैं, हमारे शहीदों ने स्वप्न देखा, वह देश बन पाएगा। तो आइए हम सब मिलकर के संकल्पित हों कि जो वीरों ने, शहीदों ने जो शहादत दी, जो अपने प्राणों की आहुति दी, उसको निरर्थक न होने देंगे और इस देश को वो उस शिखर तक पहुंचाएंगे जिस शिखर तक पहुंचाने का स्वप्न उन सब ने देखा था। पुनः आप सबको आज के इस पावन दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं, सबका बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम, ओम। बोले भारत माता की जय। तो हम इस भारत की भी स्वाधीनता की रक्षा करेंगे और भीतर की स्वाधीनता, भीतर का स्वराज्य,
भीतर का साम्राज्य आत्मसत्ता के सिंहासन पर भी आरूढ़ होकर के फिर से स्वयं अध्यात्म के चरम शिखर पर पहुंचेंगे और भारत को भी आध्यात्मिक और आर्थिक राजनीतिक महाशक्ति बनाने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। इसी संकल्प के साथ आगे के कार्यक्रमों को आचार्य कुलम के बच्चे आगे बढ़ाएंगे। एक बार सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन जिन्होंने इस स्वाधीनता दिवस की, स्वतंत्रता दिवस की बहुत तैयारी की है और अपने उन वीर वीरांगनाओं को, महापुरुषों को कृतज्ञता पूर्वक याद कर रहे हैं। जब महापुरुषों को याद करते हैं, उनके बलिदान को, उनकी शहादत और कुर्बानी को याद करते हैं तो हृदय कृतज्ञता से भर आता है। आप लोगों को तो दिक्कत नहीं होगी, जैसे पहले वालों को सामने से क्या कहते हैं उसको, स्वामी जी हारमोनियम की आवाज नहीं पहुंच रही है बच्चों तक। नहीं, सामने से वो देते हैं ना स्वामी जी, सामने मॉनिटर नहीं है, सामने एक मॉनिटर लगा दो ना यहाँ। और कितने भजन है अभी स्वामी जी? हैं, दो तीन हैं अभी। मॉनिटरिंग नहीं मिल रही प्रॉपर है, प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं मिल रही है स्वामी जी। या तो इधर से इसका मुंह इधर कर दो, इन बच्चों की तरफ, इस मॉनिटर का मुंह बच्चों की तरफ कर दो ना, उनको सुनाई दे जिससे, क्योंकि अब तो लाइव कट के एडिटिंग हो सकती है, पहले तो एडिटिंग ही नहीं हो पा रही थी। अब आ रही है बेटा आप लोगों को आवाज, उनको ऐसे मुंह करके खड़ा कर दो इधर से, फिर इनको ठीक से प्रॉपर मॉनिटर की आवाज भी मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे कर लो जैसे भी आप। ओम, हाँ, ए तबला वाला, तुम्हारा भी उस समय ताल उनको पीछे से सुन, पता नहीं कहां से आ रहा था सुनाई। अब इनको आ रहा है, अब आ रहा है कुछ? हेलो, अब मॉनिटर मिल रहा है जी? ठीक है, इनके माइक चालू कर दो भाई। ओम बेटा, अच्छे से रखा करो तैयारी जो। हाँ तैयार है, अब जितने चालू उतने से कर लो बेटा, है ना। ताल क्यों बिगाड़ रहे हो तुम? या तो इस की को बंद करो, इन बच्चों ने तैयारी की है तो सब उसको ठीक से, तो की को बंद करो इसकी। तबले की इको है, हाँ, तबला का इको खत्म करो, तबला का इको खत्म करो। अब एक बार गा के देखो, 1 2 3 4।
ये तबला का इस क्यों गड़बड़ हो रहा है? तबला की इको खत्म कर देना भाई, पूरी इसको बंद कर दे, तबला बंद ही कर दे, तबला बंद कर, तुम यहीं बजाओ अपना खाली, इसको माइक हटाओ। अरे बंद कहां की, बंद कर दी, अब गाओ। Oh.